श्रीनगर में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, हम देख पा रहे हैं तरुण चुग को, तमाम बीजेपी नेताओं को वहां पर झंडा लहराया गया आज बीजेपी दफ्तर में। आप बताइए इस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, आज 2 साल जब पूरे हुए हैं 370 हटने के। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इस ये जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये हम एग्जैक्टली इसी कार्यक्रम में हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। तरुण चुग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, बगल में सूफी यूसुफ साहब बैठे हुए हैं। और ये पूरा अभी देखिए, ये तिरंगा अभी फहराया गया है। तरुण चुग साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बीजेपी के मानने वाले हैं। और ये लगातार कार्यक्रम जारी है। और सबसे अहम बात है कि ये बात कही जा रही है कि इस दिन के आने के बाद से एक नया अध्याय शुरू हुआ है कश्मीर में। इस बात पर जोर दिया जा रहा है, सबसे अहम पहलू यही है। और यही बात यहाँ पर जो भाषण चल रहे हैं उसमें भी कही जा रही है। अभी अशोक भट्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर के ये श्रीनगर की बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो सबसे अहम इसी पर जोर दिया जा रहा है कि कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, कश्मीर ने के विकास ने एक नई करवट ली है और उसका जो बुनियाद है। अभिषेक, तमाम वो रिपोर्ट्स जो आपने भेजी हैं, तमाम वो रिपोर्ट्स जो अंकित ने भेजी हैं और जो विपिन चौबे ने भेजी हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। मैं आपकी एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। प्रोजेक्ट उम्मीद के तहत आप शोपिया जिले में गए थे और आपने कुछ लड़कियों से वहां बात की थी और बताया था उन्होंने कि कैसे उनको उसके तहत अब वहां पर रोजगार मिल रहा है, कितनी खुश है वो। देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम अपनी जगह है अभिषेक, लेकिन जमीन पर आपने क्या महसूस किया इतने दिनों में, बताइए जरा, ये 2 साल पूरे होने के मौके पर। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि जहाँ जहाँ रोज़गार की किरण पहुँची है वहाँ पर लोग उत्साहित हैं। वो आए हैं मेन स्ट्रीम में और रोज़गार से उनको जो फ़ायदा मिला है उस बात की तारीफ़ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमको तो अल्टीमेटली जो यही चाहिए था कि घर बार रोजी रोटी अच्छी चलती। शोपिया ही नहीं बल्कि हम पुलवामा में गए, पुलवामा के इंटीरियर्स में भी हमने देखा डेयरी फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पर ऊन की कटाई और सिलाई का रोज़गार चल रहा है। और सबसे एक मैं आपको बात और बताऊँगा कि स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखेंगे, यहाँ पर जो है जो लोग आए हुए हैं उनके मन में ठीक है। अभिषेक, आप रहिए वहाँ पर, आपके पास आता रहूँगा। लगातार आप जो खबरें दिखा रहे हैं, लगातार जो आप ग्राउंड से हमें रियलिटी बता रहे हैं, वो मैं आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुँचाता रहूँगा। अरे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारत में।